इन डक्स को देखकर मुझे डकी भाई की याद आ गई। डकी भाई व्हाइट कलर के चूहे हैं। मुझे लगता है ये हमारे काम का एरिया नहीं है। इसको मुंह आप इसका मुंह देख रहे हैं, इतना गंदा मुंह कर लिया विराग ने, पता नहीं क्या किया है। ये देखिए कितना गंदा कर लिया है वो। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं मिराग को लेकर बाहर, और बाहर लोड शेडिंग की वजह से तंग आ गए हैं, तो आज जा रहे थे हम बाहर। और मिराग साहब आज तैयार हुए हैं, माशाल्लाह इनकी किटिंग आप देख सकते हैं। तो मिराग साहब हुए हैं तैयार, अभी आपको फ़िलहाल सही नज़र नहीं आ रहे होंगे, बाकी की किटिंग हम आपको आगे दिखाते हैं। हम लोग आ गए हैं तालीमी बाग, आप देख सकते हैं। इसका हेड थोड़ा सा ऊपर करें। वो देखो मम्मा का, मम्मा। मजा आ रहा है मिराक? मीरू, मीर साहब, ये भाई मीर साहब तो शौक हो जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं ना अलग ही शौक हो जाते हैं। चलें चलें चलते हैं आगे, और भी चीज़ें देखते हैं। वैसे सच बताऊँ तो हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, किसी ने बताया था हमें यहाँ का, तो हम आ गए देखने। और इत्तेफाक ऐसा है कि आज हम लोग आए हैं और आज इतना प्यारा मौसम है, बारिश, हल्की हल्की बूंदें हो रही हैं, रश भी बहुत है। आज जब हम रास्ते में आ रहे थे ना, तो तभी जो है बूंदें होने लगी, तो मैं इनसे मिराग के बाबा से यही कह रही थी कि यार बारिश हो रही है, हमें अम्ब्रेला ले लेना चाहिए था, बट रुक गई है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया। अभी तो हमें यहाँ पे घूमना ही ज़्यादा, क्योंकि हमें पता नहीं है कहाँ पर क्या है। तो जी हमने चलना स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारी जगह यहाँ पे चलने की, और यहाँ मुझे ना कुछ दूर कुछ क्राउड नज़र आ रहा है, लग रहा है वहाँ कुछ है, तो आई गेस हमें वहाँ जाना चाहिए। तो चलें वहाँ चलते हैं। ओए बात सुने, उस साइड पर चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा मुझे क्राउड नज़र आ रहा है, वहाँ देखते हैं वहाँ पर क्या है। यहाँ पे पानी है बहुत ही, कोई गंदा काई लगी हुई है पानी में, बहुत गंदा पानी हो रहा है, पता नहीं कौन ही जाता होगा इस पानी में। मेरे ख्याल से इसमें कुछ इन्होंने कश्ती वश्ती भी दी हुई है शायद, आगे टायर तो नज़र आ रहे हैं, पता नहीं क्या है, आगे चल के ही देखेंगे ये तो कि सीन क्या है असल। ओ वाओ, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है, चलो भाई वहीं चल के हम देखते हैं क्या है। इस तरफ इतना मतलब थोड़ा सा कलरफुल और थोड़े से ज़्यादा लोग दिख रहे हैं, और इस तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। ये देख रहे हैं आप, बस दरख्त हैं, और सिटिंग के लिए भी कुछ नहीं है, घास वगैरह कुछ नहीं है, ना चेयर्स हैं, तो पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पर भी है कुछ, यहीं पर है ज़्यादा, और क्राउड भी यहीं है। ओहो गाइस, अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर शायद कश्ती है, तो देखें ज़रा, वाकई यहाँ पर कश्तियाँ चल रही हैं इतने गंदे पानी में। उफ, इतना गंदा काही लगा हुआ पानी है ये, पता नहीं कैसे ही लोग बैठ रहे हैं इसमें, मुझे तो देख कर ही ना घिन आ रही है। चलें पैर छोड़ें हम आगे चलते हैं, ये सबकी अपनी चॉइस है। बट ये कि कुछ लोग फ़न के लिए भी आए हुए हैं यहाँ पर, तो
तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे ये मिनी ज़ू है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है मिनी ज़ू। चलें यहाँ पर चल के देखते हैं यहाँ क्या है। तो जी आप देख सकते हैं ये मिनी ज़ू है यहाँ पर, लेकिन इधर भी कुछ है इंटरेस्टिंग जो हमें जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है यहाँ पर। और इधर भी है कुछ क्राउड, तो सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं, इनका टिकट वगैरह पूछते हैं क्या है क्या नहीं, फिर देखते हैं डिसाइड करते हैं कि पहले कहाँ जाएंगे। तो जी मिराक और मिराक के बाबा लगे हुए हैं लाइन में टिकट लेने के लिए। अब ये टिकट लेकर आ जाएं, फिर हम चलते हैं अंदर। तो जी टिकट्स ले लिए हैं, दो टिकट ले लिए हैं, अब दे देते हैं टिकट। तो जी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा, फिशेज हैं यहाँ पर अलग अलग तरह की। और यहाँ पे बहुत छोटी छोटी सी हैं, यहाँ पे ये वाली है एंड देन ओ यहाँ पे ये है टर्टल, और यहाँ पर ये है बड़ा वाला टर्टल। वो छोटू सा था और ये बड़ा सा है। ओह माय गॉड, बहुत गंदा लग रहा, बट अल्लाह की कुदरत है, बहुत प्यारा है, अच्छा है। इसके पैर देखें, ओ वाह, सबसे क्यूट चीज़, इतने छोटू से क्यूट सा बकरा है, कितना प्यारा है। इसके कान देखें, सींगों की तरह लग रहे हैं, बकरा है। मिराज को दिखाएं, क्या है ये, काट वाले छुआ। चले भाई चलते हैं थोड़ा सा आगे। उफ, ये क्या चीज़ है, कांटो वाला चूहा है ये। ओह माय गॉड, चूहा ऐसे होता है ना कांटो वाला, पता नहीं मैंने कभी नहीं देखा। और ये बहुत ही क्यूट से प्यारे से मोर है, वाइट मोर। वाइट मोर तो आप सबने ही देखे होंगे, बहुत प्यारे से पीकॉक है ये। आप देख रहे हैं, वाह, वाइट के साथ दूसरे वाले पीकॉक भी हैं जो नॉर्मली होते हैं। ये वाइट वाले हैं, सो क्यूट माशाल्लाह। और यहाँ पर क्या, ओहो ये बिग टर्टल है, ये जो खुश्की में रहते हैं ना, ये वो वाले टर्टल हैं। यहाँ पे भी है, ओह माय गॉड, यहाँ पे छोटू सा पता नहीं क्या है, ये टर्टल है, स्टार टर्टल्स, ठीक है। ये आई थिंक ये ऑस्ट्रिच है, पता नहीं क्या है, क्या है, हाँ शायद। यहाँ पर जो है ना वो भी नहीं लगा है, पेपर भी नहीं लगा है जिससे पता चल जाए कि ये क्या है, बट मुझे तो ये ऑस्ट्रिच जैसा ही लग रहा है। आई गेस मैं रॉन्ग हूँ, अगर आपको पता है कि ये क्या चीज़ है तो ज़रूर कमेंट में बताएं। बस ओ माय गॉड, ये बहुत डेंजर एनिमल है, बर्ड है, सॉरी बास डेंजर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजर बर्ड है। देखिए ज़रा इसको, इस शक्ल से बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, चोंच फाड़ ला रहा है। ये बहुत बड़ा है, वीडियो में पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत बड़ा है। ओ वाओ, हिरन है, क्यूटू सी, हाथ बनाया था मेरा। हाँ, और ये क्या है, ये ऐसी बनी, ये देखिए इन्होंने बनाया हुआ ऐसे, जो हिरन मर गई होगी शायद उसके उससे बनाया है।
इसका नाम है, ये जो घूम रही है इसका नाम है चिंकारा डियर। बना बना बना। मिराग तो बहुत चौक होके देख रहे हैं सबको, सारे एनिमल्स को। व्हाइट कलर के चूहे हैं छोटे छोटे से। इन डक्स को देखकर मुझे डकी भाई की याद आ गई। डकी भाई डकी भाई की याद आ गई भाई इन डक्स को देखकर तो। और एक बात मैं आपको और बताऊं, मेरे हस्बैंड जो है डकी भाई के बहुत बड़े फ़ैन हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको। और ये बड़ी वाली डक्स हैं, मैंने सुना है कि डक्स काट लेती हैं। और भाई इनकी तो चोंच भी बहुत बड़ी बड़ी है, इनसे तो डर ही लग रहा है। चलें भाई चलें। मिराग आपको कैसे लग रहा है, हाउ डू यू फील? मिराग बहुत शौक है वहाँ डक्स को देख रहे हैं, छोटी छोटी बहुत शौक हो रहे हैं। बस जी यही था तालीमी बाग का मिनी ज़ू। मुझे तो नहीं पसंद आया, बट जो इसका टिकट था 60 रुपीज़ इसका टिकट है, तो उस हिसाब से चलें ठीक ही है। लेकिन एक बात बोल दूँ, यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ें नहीं हैं, बहुत बहुत आम सी चीज़ें जो हमने पहले ही देखी हैं। चलें बाहर चलते हैं, बाहर चल के हम दूसरे जो दो साइट्स रह गए हमारे, हम वो भी विज़िट करते हैं। चलें अब बाहर चलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था मिनी ज़ू के बीच में मिनी ज़ू है, फिर इस साइड भी क्राउड है कुछ है वहाँ भी, और यहाँ भी कुछ है, तो हम सबसे पहले चलते हैं इस साइड पर, देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। मुझे लगता है ये हमारे काम का एरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर झूले वगैरह हैं। और आप सभी को पता है मिराग बहुत छोटे हैं अभी, देख लें कितने छोटे से बेबी हैं अभी, कुछ मंथ्स के हैं, एयर के भी नहीं हुए अभी तो। लेकिन फिर भी आपको विज़िट करवा देते हैं कि क्या है यहाँ पर। यहाँ चलें ज़रा, यहाँ पर क्या है, बड़ा रश है, स्विमिंग पूल लिखा हुआ है, देखते हैं कौन से पूल हैं भाई यहाँ पर। ओ माय गॉड कितनी क्या बोलूँ, क्या बोला जाए इस चीज़ को। स्विमिंग पूल बना हुआ है अंदर और बच्चे नहा रहे उसमें, मेरे ख्याल से इसका भी टिकट है। लेकिन बहुत रश है भाई, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा झूले हैं भाई यहाँ पर। ये हमारी काम की जगह नहीं है, बस मैं आपको ऊपर से ही ऐसे दिखा देती हूँ। तो देखें ये स्लाइड कर रहे हैं लोग, बच्चे, बहुत गंदगी हो रही है भाई। बिल्कुल भी ना लें यहाँ पर आके स्लाइड्स, क्योंकि बहुत गंदा पानी भी है और बहुत ज़्यादा लोग हैं। और आजकल वैसे ही बच्चों में वायरल फैला हुआ है। चलें अब हम दूसरी साइड चलते हैं, यहीं से ही दूसरी साइड निकल जाते हैं। ओहो यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड भी है गाइस। जो मेन चीज़ मुझे यहाँ की देखनी थी ना, वो जुरासिक वर्ल्ड ही था, क्योंकि इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मिनी ज़ू वगैरह भी है। ये देखिए ये स्लाइड्स हैं, ये ले सकते हैं आप, ये अच्छी हैं और आई थिंक ये फ्री हैं। हाँ फ्री है, मेरा ख्याल है कि ये फ्री हैं। चले हम जुरासिक वर्ल्ड की तरफ चलते हैं, वहाँ पूछते हैं क्या है वहाँ का टिकट। सही है यहाँ पर नहीं मिला, कह रहे हैं सामने काउंटर से मिलेगा, तो अब चलते हैं सामने काउंटर पे। अब सामने इतने सारे काउंटर बने हुए, ये नहीं पता कि किस काउंटर पे जाना है, बट चलें देखते हैं। आई गेस उस काउंटर पे जाना है, बट बहुत रश है भाई, रश बहुत है भाई इस पार्क में ना, आवाम बहुत आई हुई है। ये आ जाइए या होता ही है पता नहीं, कैंसिल कर दो। हम सोच रहे हैं कि हम कैंसिल कर दें जुरासिक वर्ल्ड का, क्योंकि बहुत रश है, आप देख सकते हैं बहुत रश हो रहा है। इंडोर गेम है यहाँ पर, हम आए हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक तो इस तरीके से पैक किया हुआ है, ऊपर से एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे, इतनी गर्म हवा हो रही है ना, उफ दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है सांस नहीं आ रही भाई। चले भाई हम तो नहीं रुक सकते अंदर, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, बहुत ज़्यादा। एसी वेसी बंद करके रखे हैं इन्होंने, पता नहीं किस बात के फिर ये टिकट ले रहे हैं। ओह
क्या करें, और बैठने की भी जगह नहीं है कहीं पर भी ना, बैठें किधर, कहीं बैठने की जगह ढूंढ रहे हैं, बैठने की कोई जगह खाली नहीं है, बस ये ज़मीनें ही खाली हैं यहाँ पर, बाकी जो बैठ ही बैठ जाते हैं बाकी जो बैठने की जगह है कोई भी खाली नहीं है, कुछ भी खाली नहीं है। थक गए चल चल के, अब मिराक साहब से ज़्यादा तो मिराक साहब के बाबा थक गए, वो कह रहे हैं बस अब कहीं पर भी बैठ जाओ। हम थोड़ा बाहर की साइड पर आए, यहाँ थोड़ा रश कम है, बट अंदर तो बहुत ही ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, तो हम सोच रहे हैं कि हम जाकर ग्रास पर बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ तो देख रहे हैं सब चीज़ें फुल हैं, वो खाली नज़र आ रही है। चले भागते हुए चलते हैं उधर, कोई बैठ ना जाए, जब ही कह रही हूँ भागते हुए चलते हैं। जल्दी 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 चलो भाई, चलो फाइनली हमें बैठने की जगह मिल गई है, चले भाई। ये इसको मुंह आप मेरा का मुंह देख रहे हैं, इतना गंदा मुंह कर लिया मिराग ने, पता नहीं क्या किया है, ये देखिए कितना गंदा कर लिया है वो मिराग, तो लग रहा गंदे पठान के बच्चे नहीं होते। सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, सब अच्छे होते हैं, कोई गंदा नहीं होता, बस मिराग ने बहुत ज़्यादा अपना गंदा हुलिया बना लिया, इतना अच्छा मैं तैयार करके लाई थी मिराग को ना, मिराग ने सब ऐसी तैसी कर लिए, ये देखें मुँह देखे कितना गंदा हो रहा है, ए गंदे गंदे बच्चे, देख ही नहीं रहा अभी। शुक्र है कि मैं वाइप्स लेकर आई थी, तो चले मिराग का कर देते हैं जल्दी से मुँह साफ, ये जो है ना गलती से दो निकल गए, जल्दी से मुँह साफ करवाइए। विराग का तो बस नहीं चल रहा है कि वो वाइप्स को भी खा जाए। चल अब लग रहा है ना अच्छा प्यारा बच्चा, प्यारे बच्चे हेड तो थोड़ा ऊपर कर दें, प्यारे बच्चे मिराग ये लो, देखो मिराग ये लो, अभी भी मूछें दोनों इनकी गंदी हो रही हैं, बहुत बड़े हो गए ना इनकी मूछें आ गई हैं। हम बैठे हैं यहाँ, बस थोड़ी देर में चलने की करेंगे, क्योंकि बहुत ही रॉस एक्सपीरियंस रहा है हमारा यहाँ का, मज़ा नहीं आया, मज़ा बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मिनी जू बहुत ही बेकार था, और झूले जो हैं वो हम ले नहीं सकते, मिराग छोटे हैं, और इसके अलावा चलना बहुत था, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, रश सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो काउंटर्स होते हैं टिकट वगैरह के, वहाँ पे इतना रश था, इतना रश था कि हम तो खैर लाइन नहीं लगा सकते, क्योंकि मिराग बहुत तंग करते हैं, मिराग को लेकर लाइन नहीं लगा सकते, तो हमें बेसिकली जो हमें जाना था वो जुरासिक वर्ल्ड ही जाना था, लेकिन नहीं जा सके क्योंकि उसके काउंटर पे बहुत ज़्यादा रश था, तो चलें नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कभी स्पेशली आएंगे फिर सिर्फ जुरासिक पार्क के लिए, आज तो हमने खुद इसको एक्सप्लोर करना था कि कैसा पार्क है क्या है। और एक और जो उनका इंडोर गेम था जो मिराग के साइज़ के बच्चों के लिए होता है, उसमें तो भाई इतनी गर्मी थी, उन्होंने सारे एसी बंद किए हुए, प्लस जो प्लास्टिक शीट्स होती हैं एसी वाले रूम में अक्सर लगती हैं आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने वो भी डाली हुई और प्लस एसी बंद किया हुआ, तो आप सोच ही सकते हैं इतना हब्स, ऐसे लग रहा था कि दम घुट रहा है। उसमें भी लोग थे भाई, उसमें भी बहुत रश था, आपने देखा पिछली वीडियो में बहुत रश था, तो भाई हमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, हम तो जा रहे हैं अभी बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं, थोड़ा सा अपने पैरों को रेस्ट दे लें और फिर निकलते हैं। कि आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़े दिनों बाद व्लॉग आया, वो वजह ये थी कि मिराग साहब की तबीयत थी थोड़ी ख़राब, तो उनका जो है सीना वगैरह बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए हम, तो आज थोड़ा सी तबीयत इनकी ठीक है, तो आज सोचा कि व्लॉग भी बना लेंगे, थोड़ा बाहर भी घुमा लेंगे, इसलिए आज व्लॉग डाला है हमने, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम
और जल्दी जल्दी व्लॉग आएंगे, आप लोग देखिएगा। और दूसरा ये कि बाय द वे मैं आपको ही बता दूं, आपके जो हमने ग्लासेस लगाए हुए हैं ना, उसमें बहुत सारे पानी के निशान आ गए हैं। बारिश भी हुई थी रास्ते में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब हम रास्ते में आ रहे थे तो बारिश होने लगी थी, तो मेरा के बाबा जो अपने ग्लासेस लगाए हुए थे इसमें निशान आ गए। आपने साफ नहीं किया, वाइपर लगवा लूंगा ऐसे ऐसे। गुड आइडिया। ये बार बार कैप उतारे जा रहे हैं इनको, मेरा को तो बस कुछ ना कुछ चाहिए। मिराज को तो बस कुछ ना कुछ चाहिए खेल मचाने के लिए। सॉरी, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनका मासूम सा चेहरा देख लें, ये लोग कैप गिरा दिया इन्होंने। दिखाएं ज़रा मासूम सा चेहरा। मासूम चेहरे की क्या बात यो। जी गाइज, हम सोच रहे हैं कि अपने व्लॉग का एंड यहीं पर कर लेते हैं, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा थक गए चल चल के। मिराक बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं अब। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, अपनों के साथ रहें, अपनों के साथ हमेशा खुश रहें, हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें और मिराक के लिए स्पेशली बहुत सारी दुआएं करें, क्योंकि मिराक की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी मैंने आपको बताया था। तो आप लोग दुआ करें सब कि मिराक जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाएँ और हमेशा ठीक रहें। और आप कुछ कहना चाहेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।